कल निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और उससे पहले क्या क्या बड़ी चीजें हो सकती है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से अपनी बही खाता की तरफ चलते हैं और एक एक मुद्दे के जो फिगर्स है वो दिखाकर उस पर जल्दी से आवा बात कर लेंगे। तो बही खाता में अब हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो आंकड़े बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अब हम आपको एक तो जीएसटी कलेक्शन को लेकर सालाना जो है वो फिगर्स आपके सामने रख देते हैं। सालाना कलेक्शन, हालांकि शुरुआत करनी थी कि कैसी रिकवरी हुई है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन से मैंने इसलिए शुरुआत कर दी थी सैयद जफर इस्लाम से बात करना, क्योंकि सरकार कलेक्शंस को लेकर पहले से भी इंडिकेशंस दे रही है कि वो रोबस्ट है, ठीक है, अच्छा है। और फिस्कल ईयर खत्म भी नहीं हुआ है अभी, अभी तो है फेब मार्च, और भी कलेक्शंस आएंगी, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कलेक्शंस कर रहे हैं ये जीएसटी से लेकर हर चीज में। तो वो एक दिलचस्प आंकड़ा था, हमने आपको दिखा दिया। देखिए 17-18 में जहां पर 7.4 लाख करोड़ में ये फिगर्स है, ये याद रखिएगा, 11.4 लाख करोड़, फिर 9.1 लाख करोड़, 11.4 लाख करोड़, और फिर 21-22 में ये आप फिगर्स देख रहे हैं, जबकि अभी उसका एक्सटेंशन होने वाला है। चलिए अब अगला आंकड़ा जो हम आपको दिखा दे रहे हैं वो रक्षा। अब हम आपको रक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में कितना सरकार कर रही है खर्च, ये आपको दिखा देते हैं। कोरोना की मार की वजह से क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, क्या सरकार का खर्च उसमें बेहतर हुआ है, तो चलिए वहीं से शुरू कर लेते हैं। सामाजिक क्षेत्र पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के आंकड़े रखे हैं। स्वास्थ्य के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, ये शिक्षा के आंकड़े आपने देख लिए हैं। शिक्षा में देखिए ये जो एक्सपेंडिचर है सरकार का 2015 से, ये फिर 1000 करोड़ में है, और ये देखिए ये ग्राफ यहाँ पर 93.3 पर आता है। स्वास्थ्य का हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सबका यह मानना है कि क्या जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं देश में उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मुझे लगता है कि 20-21 का जब कोरोना की मार हम बहुत ज्यादा झेल रहे थे, सबसे ज्यादा 78.9 हजार करोड़ उस वक्त खर्च किया गया था, और उसके बाद ये फिर से थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि जो औसतन परिस्थितियां रही है 15-16 में देखिए 34.1 हजार करोड़ था, वहां से ये ऊपर जाता है। तो ये हमने आपको शिक्षा स्वास्थ्य का दिखा दिया, अब जल्दी से रक्षा का आपको दिखा देते हैं कि रक्षा पर भारत जीडीपी के अनुपात में कितना करता है खर्च। ये एक बार फिर से देखिए ये वाला ये आंकड़ा, ये हम आपको बता रहे हैं रक्षा पर खर्च से जीडीपी अनुपात जो है उसके कंपेरिजन में हम जो खर्च कर रहे हैं, ये देखिए यहां पर एक वक्त पर 2019-20 में आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा ये पीक गया था, ये देखिए 3.1 फीसदी, और उसके बाद से अब ये घटते घटते 2.2 हो गया है। मुझे पता है कि गौरव जी को फिर हाथ में एक मुद्दा मिल गया जिसमें वो घेरेंगे सैयद जफर इस्लाम साहब को। एक और आंकड़ा जो मैं दिखाना चाह रही थी, ये वाले हमने दिखा दिए, आमदनी खर्चा घाटा, घाटा दिखा दिया, ये वाला घाटा, वित्तीय घाटा। पेशे खिदमत है सैयद जफर इस्लाम साहब, देख लीजिए मामला अपना वित्तीय घाटे में, ये जीडीपी के प्रतिशत में ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए जो एक वक्त पर 3.9 था 15-16 में, ये इस यहां तक लगभग 18-19-19-20 तक मैनेजेबल था, लेकिन उसके बाद से जो ये भी कह सकते हैं कि कोरोना की भी परिस्थितियां थी, लेकिन उससे पहले भी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर ये 6.8 पर आया है, 9.3 का पीक है 20-21 में था और वहां से नीचे आया है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग अन्य चीजों पर चर्चा करें, मुझे लगता है कि एक बार टैक्स के मद्देनजर हम लोग जो बात करने की सोच रहे थे उसी से रुचिका से शुरू कर लेते हैं। और रुचिका भगत जी, टैक्स में क्या उम्मीद रखे, लोगों में बड़ा ये होता है कि जो अमीर है उनको आप टैक्स के मामले में परेशान करो, आम लोगों को राहत दो ज्यादा से ज्यादा। इस बारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का भी बहुत सारी बात हो रही है कि शायद वो 15% तक जाएगा, लेकिन ये पिछले साल भी बात हुई थी, कुछ हुआ नहीं था। पता नहीं कि ये सिर्फ अगवा है या वो एक्चुअली परहैप्स ये चीज देख रहे हो। लेकिन रुचिका, मिडिल क्लास के लिए क्या एग्जेम्पशन हो सकता है, क्या रिलीफ हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब रूम नहीं है रियली फॉर चेंज। उन्होंने काफी डायरेक्ट टैक्स को स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है गवर्नमेंट के पास, क्या हो सकता है रिलीफ के मुताबिक? देखिए, मुझे लगता है पिछले 2 साल से जो इकोनॉमी कोविड से जूझ रही है उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया इस बार के बजट के लिए, तो मुझे लगता है ये बजट जो है थोड़ा सा सटीक होगा जब हम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो रीजन बीइंग कि आप अगर देखें बहुत सारी ऐसी डिडक्शंस हैं, अलाउंसेस हैं, इनफैक्ट हमारा जो टैक्स लगता है ये ऑलमोस्ट 14-15 से सेम चल रहा है, तो आम आदमी इससे बेहद परेशान है क्योंकि इन्फ्लेशन तो आपका बढ़ता जा रहा है, मगर आपको छूट जो दे रहे हैं, डिडक्शन जो दे रहे हैं, एग्जेम्पशन जो दे रहे हैं, वही पुरानी है 14-15 वाली,
तो मुझे लगता है आने वाले इस वाले बजट में सरकार को स्पेशल एम्फेसिस देने पड़ेंगे। जैसे जब हम बात करते हैं छूट की, आम आदमी की बात करते हैं, तो जो मेजर टैक्स पेयर है हमारा वो सैलरी क्लास एम्प्लॉई है। तो सैलरी क्लास पर्सन जो है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि उसकी इन हैंड सैलरी बढ़े, उसकी सोशल सिक्योरिटी ज्यादा, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज्यादा, इन सब चीजों को ध्यान में रख के। जैसे हम बोल रहे हैं आजकल की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो तो बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी 18-19 में बढ़ी थी, 18-19 में 40 से 50 हुई, वो 50 के बाद वो बढ़ी ही नहीं। इन्फ्लेशन जो है अगर आप देखें, आप दिखा ही रहे हैं डेटा, इन्फ्लेशन जो है हमारा 18-19 से अभी तक दुगना हो चुका है, ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है। इसके अलावा हम ATC की बात करते हैं, अगर ATC में मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी, और उसकी लिमिट जो है सिर्फ 1.5 लाख रुपए की है, और उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी सारी है। तो SSC अगर आप देखें तो वो सारे बेनिफिट्स उठा ही नहीं पाता है जो डिडक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के हैं। तो मुझे लगता है आने वाले बजट में सरकार को क्या करना चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट्स को एक अलग उसमें टैक्स ब्रैकेट में डालना चाहिए, जिससे SSC उसका पूरा फायदा उठा सके। जब हम कैपिटल गेन्स की बात करते हैं तो कैपिटल गेन्स में ही अगर आप देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे जो हम टैक्स लगा रहे हैं वो हमारा 10% है, उसमें एग्जेम्पशन मिलती है 1 लाख रुपए की जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इससे क्या है कि अगर आप आम इंसान जब इन्वेस्ट करने के लिए जाता है तो उसको पहले ये डर रहता है कि मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा काफी सारा। तो ये जो एक डर है मुझे लगता है इसको हटाना है कि वो खुल के इन्वेस्टमेंट कर सके, खुल के वो सेविंग्स कर सके। तो सरकार को इस आने वाले बजट में बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे।